वेलकम टू SMS बाज़ार फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कैसे SMS बाज़ार पे कॉन्टैक्ट्स अपलोड करके एक ही क्लिक में कैसे हम SMS भेज सकते हैं। और इसका फ़ायदा यह है कि एक बार एक्सेल शीट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट टाइम वो ही एक्सेल शीट अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जस्ट हमारे यहाँ एक सब्सक्राइबर ऑप्शन होता है जिसको सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली SMS लिख के सेंड कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा और एक है कि अगर कोई स्कूल हो, स्कूल में क्या होता है कि पूरा साल के जितने सारे क्लासेस हैं उसके सारे बच्चे को ग्रुप बना के, जैसे क्लास वाइज ग्रुप बना के रख सकते हैं। और यही क्लास को अगर मान लीजिए किसी भी एक क्लास को तुरंत एक ऐसे में भेजना है, जस्ट क्लास को सिलेक्ट करना है और भेजना है, यही सारे चीज़ें हम आज सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SMS बाज़ार के टीम से आपको जो यूज़र नेम पासवर्ड मिला है उससे लॉग इन कर लीजिए। पैनल पे लॉगिन हो गया और लॉगिन होते ही आप लेफ्ट साइड में सब्सक्राइबर्स ऑप्शन पे जाएंगे। सब्सक्राइबर्स में जाने के बाद आप राइट साइड में देखेंगे एक क्रिएट बटन है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक क्रिएट लिस्ट पे जाएंगे। अब क्रिएट लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ लिस्ट का नाम दे दीजिए, से फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं क्लास 10 2018 का बैच। अब यहाँ क्रिएट देते हैं। अब बैच का जो नाम है वो क्रिएट हो गया और यहाँ देखिए एक अपलोड बटन है। तो मैं आपको बता दूँ, पहले मैंने एक एक्सेल फाइल बना के रखे हैं जिसमें ये बच्चे का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और ये फाइल मैंने स्टूडेंट लिस्ट ऑफ क्लास 10 नाम पर सेव किया हुआ है मेरे डेस्कटॉप पर। मैं फिर से सेव कर देता हूँ और यही फाइल को मैं अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ से अपलोड बटन पे क्लिक करते ही मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ स्टूडेंट लिस्ट ऑफ क्लास 10 वाला यहाँ आ गया। अब यहाँ तीन कॉलम मुझे दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सिलेक्ट करना है मुझे फर्स्ट नेम, जैसे मैपिंग करना है जितना कॉलम है, कौन सा कॉलम है, कौन सा क्या डिटेल्स है। और यहाँ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ लास्ट नेम, हो गया और सारे ग्रीन कलर हो जाएगा, मतलब सब ठीक ठाक है। और फ़ोन नंबर के कॉलम में GSM सिलेक्ट रहेगा, ऐड कंट्री प्रीफिक्स और इंडिया ये सिलेक्ट होना चाहिए अगर मोबाइल नंबर के सामने 91 ना हो तो। अगर 91 पहले से डाला हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 91 आप पहले से नहीं डाला तो यहाँ GSM सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऐड कंट्री प्रीफिक्स और इंडिया यही है, देन कंटिन्यू, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट हो गया, देखिए ये फाइल इम्पोर्ट मतलब इंक्लूड हो गया है। और अभी हम लिस्ट में हमारा ये जो बच्चे का नाम है वो एक लिस्ट क्रिएट हो गया क्लास 10 2018। अब हम जाते हैं SMS पे, कैंपिंग में जाएंगे, फिर क्रिएट न्यू कैंपेन। अब कैंपेन नेम दे देते हैं PTA नोटिस। अब यहाँ टू जिसको हम भेज रहे हैं, लेकिन हम ये सब्सक्राइबर लिस्ट से हम भेजेंगे। देखिए ये सब्सक्राइबर लिस्ट में क्लिक करते ही यहाँ देखिए एक है अपलोड फाइल। पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में अपलोड फाइल का दिखाया था, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपलोड पहले एक बार कर दिया सब्सक्राइबर लिस्ट में, अब इसमें सिर्फ सब्सक्राइबर में जो कॉन्टैक्ट्स अपलोड है वहीं से हम SMS भेजेंगे वही। अब देखिए यहाँ हमारा जो एक्सेल शीट अपलोड हुआ था होने के बाद जो मैंने सब्सक्राइबर लिस्ट बनाया है वही लिस्ट यहाँ है, दो कॉन्टैक्ट्स उसमें था और मैं इसको टिक मार्क दे के कन्फर्म कर देता हूँ। और देखिए यहाँ टू में क्लास 10 2018 वाला बैच आ गया। अब इसमें सिर्फ मेरा जो सेंडर आईडी रहेगा, आपका जो सेंडर आईडी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आप यहाँ से डाल दीजिएगा, यहाँ जो ब्रैकेट है इसमें जाने के बाद फर्स्ट नेम दे दीजिएगा अगर बाई नेम SMS भेजना हो तो, अदरवाइज आप ये स्किप कर सकते हैं। डियर
स्टूडेंट्स, मतलब उसका स्टूडेंट देने से तो जनरेट होता है, और उसका डायरेक्टली बाय नेम हम भेज रहे हैं डियर फर्स्ट नेम, मतलब ऑटोमेटिकली जितने सारे बच्चे का नाम रहेगा फर्स्ट नेम वो ऑटो चेंज हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, डन। अब एसएमएस का कंटेंट हो गया। देखिए आप, हमें क्या करना पड़ा, जस्ट यहाँ एक मैं कैंपिंग का नाम दिया, देना नहीं देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ जस्ट आके ऐड फ्रॉम सब्सक्राइबर में क्लिक करना है, और यहाँ टिक करके कंफर्म करना है और कुछ नहीं है। फिर सेंडर सिलेक्ट करना है, एसएमएस लिखना है। अगर आप वेरिएबल्स चाहिए, मतलब बाय नेम एसएमएस भेजना है, तो ये फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा यहाँ से वेरिएबल, और अदरवाइज जस्ट लिख के लॉन्च पे क्लिक करना है। देख लीजिए, दो रिसिपियंट था हमारा सब्सक्राइबर लिस्ट में, जो बैच था, दो एसएमएस जा रहा है, 40 पैसा चार्ज हो रहा है। देन लॉन्च में फाइनल बटन पे क्लिक करना है। लॉन्च हो गया। अब हम यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं, रिपोर्ट जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। पीटीए नोटिस वाला यहाँ आ गया, एसएमएस ऑलरेडी मोबाइल पे रिसीव हो गया है, और यहाँ एसएमएस जब कैंपिंग कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ कैंपिंग कंप्लीशन रिपोर्ट आ जाएगा, और थोड़ी देर में ही आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि ये रिपोर्ट आपको चाहिए, और आप देखना चाहते हैं कि कौन से कौन से मोबाइल नंबर पे एसएमएस गया नहीं गया, वो पूरा डिटेल्स आपको चाहिए, तो आप देखिए ये पीटीए वाला नोटिस के राइट साइड में यहाँ एक क्रिएट रिपोर्ट का जो छोटा सा आइकॉन है, इसमें क्लिक कीजिए, और इसमें आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो सिलेक्ट करके क्रिएट रिपोर्ट दे दीजिए। विदिन 1 मिनट ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार होके आपका रिपोर्टिंग पे चला जाएगा। ये पेंडिंग स्टेटस है, विदिन 1 और 2 मिनट्स ये आपको पूरा रिपोर्ट दिखा देगा जब रेडी हो जाएगा। इवन इसके ईमेल भी आपको मिल जाएगा जब आपका ये रिपोर्ट रेडी हो जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, और आपके पूरा एसएमएस का जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा। और लॉक्स में से भी आप देख सकते हैं, फ्रॉम मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये एसएमएस भी एंटर करके सर्च लॉक देने से भी एसएमएस डिलीवर हुआ नहीं हुआ वो पूरा रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये जो कमल था, अंकुश था, टुडे स्कूल, जो एसएमएस मैंने भेजा था ऑलरेडी डिलीवर्ड हो गया, और यहाँ एसएमएस का जो फाइनल रिपोर्ट होता है वो क्लाउड सर्वर से आता है, और ये 2-3 मिनट टाइम लगता है क्योंकि ये बैकएंड सर्वर से आता है पूरा रिपोर्ट डिलीवर होने के बाद। तो यही था, इतना इजी सिस्टम है, और आपको ये सब्सक्राइबर वाला हिस्सा भी मैंने समझा दिया है। आगे के वीडियो में हम दूसरे टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमारा कॉन्टेक्स्ट से आप फ़ोन कर सकते हैं, और आपको हम इजीली वो सारे चीज़ समझा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम।